हेलो एवरीवन हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा कैसे हैं आप सब होपिंग दैट ऑल ऑफ यू आर वेल एंड टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ सेल्फ सेल्फ विनीत खत्री आई एम फाउंडर ऑफ एटीपी स्टार कोटा एंड आई हैव बीन टीचिंग स्टूडेंट्स इन कोटा सिंस लास्ट ट्वेल्व ईयर्स आई हैव टॉट मेनी टॉप रैंकर्स इन आई आई टी एज वेल एज नीट एग्जाम तो गाइज जैसे कि आप सभी ने थमनेल में एंड टाइटल में देख ही लिया होगा कि आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल का मैं जवाब देने वाला हूँ जब हम आई जेई की या नीट की तैयारी शुरू करने वाले होते हैं ना, तो हमारे दिमाग में बहुत बड़ा सवाल होता है कि यार हमें डमी स्कूल ज्वाइन करना चाहिए और सिंपली कोचिंग पे फोकस करना चाहिए दिस इज वन ऑफ आर ऑप्शन सेकंड ऑप्शन हमारे सामने होता है कि क्या हम किसी नॉर्मल स्कूल को ज्वाइन करें जहां पे हमें रेगुलरली स्कूल जाना होगा लेकिन अलग से हम कोचिंग को ज्वाइन करें एंड थर्ड ऑप्शन इज़ स्कूचिंग स्कूचिंग का मतलब है स्कूल प्लस कोचिंग जहाँ पे स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है यानी वहीं पे स्कूल है और वहीं पे भी आपकी कोचिंग है तर तो तीनों को मैं एक एक करके एनालाइज करने वाला हूँ और फिर आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए बेस्ट क्या है और मैं अपना रिकमेंडेशन भी उसमें देने वाला हूँ ओके okay? तो देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्कूचिंग से स्टार्ट करते हैं राइट right? कोचिंग का मतलब आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होते हैं जहाँ पे स्कूलिंग भी चलती है और उसके अलावा एडिशनली कोचिंग भी प्रोवाइड की जाती है अब यहाँ पे जो पॉजिटिव है वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है इस चीज़ का वो है स्टूडेंट का टाइम बहुत सेव हो जाता है उसकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन भी हो जाती है कोचिंग भी हो जाती है तो उसका ट्रैवलिंग में टाइम बच जाता है लेकिन इसी में इस सिक्के के दो पहलू हैं क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि कोचिंग अलग से होती है उसी स्कूल के दौरान आ, स्कूल का पहले टाइम जो होता है फॉर एग्जाम्पल मॉर्निंग में सात से लेकर बारह बजे तक नॉर्मल क्लासेस चलती हैं और फिर कोचिंग होता है यानी ओवरऑल टाइम स्पेंड बहुत ज़्यादा होता है तो इसलिए एक्चुअल में टाइम सेविंग उतना नहीं होता लेकिन हाँ जो स्टूडेंट्स स्कूल और कोचिंग अलग से ज्वाइन करते हैं उसकी बजाय स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जो है वो बेटर होता है क्योंकि इसमें ट्रैवलिंग का टाइम नहीं लगता अब सबसे बड़ा कंसर्न जो होता है कोचिंग कंसेप्ट में वो ये होता है लैक ऑफ क्वालिटी टीचर्स नॉर्मली जो ब्रांड्स भी होती हैं जिनके स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चलते हैं वहाँ पर भी जो बेस्ट टीचर्स हैं उनकी एक्सेसिबिलिटी नहीं होती उनकी अवेलेबिलिटी नहीं होती दूसरा वो टीचर्स भी बहुत बार कोर्स पूरा नहीं करते टीचर्स कीप ऑन चेंजिंग तो उस कारण क्वालिटी का बहुत बड़ा इशू है तो अगर स्कूचिंग कंसेप्ट में यू गेट द बेस्ट टीचर्स एंड आपको अच्छी ब्रांड भी मिले फॉर एग्जाम्पल कोटा क्योंकि ब्रांड मिले उसमें आपको इट मे बी ए टी पी स्टार इट मे बी एनी अदर तो अगर वो आपको मिलता है तो इट कैन भी बेनिफिशियल लेकिन इसमें आपको पहले से uh, किसी स्टूडेंट से फीडबैक ले लेना चाहिए जो ऑलरेडी वहाँ पर स्कूचिंग कंसेप्ट में पढ़ चुके हैं उसके बिना आपको स्कूचिंग कंसेप्ट में एडमिशन नहीं कराना चाहिए नहीं तो आपका पैसा टाइम दोनों ही वेस्ट हो जाएंगे राइट तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज नॉर्मल स्कूल प्लस कोचिंग इसमें एडवांटेज ये होता है कि बोर्ड्स की प्रिपरेशन हमारी अच्छी हो जाती है क्योंकि स्कूल में नॉर्मली बोर्ड्स की तैयारी अच्छे से कराई जाती है लेकिन अगर वहीं पे कई स्कूल्स में टीचर्स अच्छे, अच्छे अवेलेबल नहीं है तो बोर्ड्स की तैयारी भी अच्छी नहीं होगी और टाइम भी वेस्ट हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे टाइम मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होता है आप जानते हैं आई जेई का एग्जाम अराउंड टेन लैख स्टूडेंट्स देते हैं नीट का एग्जाम अराउंड फिफ्टीन लैख स्टूडेंट्स देखते हैं तो बहुत ही हाईली कॉम्पिटेटिव एग्जाम है अब जो जो स्टूडेंट्स सारा दिन आई टी या नीट पर फोकस कर रहा है उसको एनी हाउ एक कॉम्पिटेटिव एडवांटेज है उन स्टूडेंट्स के ऊपर जो लगभग फिफ्टी परसेंट या सिक्सटी परसेंट ऑफ़ द टाइम स्कूल्स में लगा रहे हैं उसके अलावा जब वो अलग से कोचिंग करते हैं चाहे वो ऑनलाइन करें चाहे वो ऑफलाइन करें पर अगर वो ऑफलाइन करते हैं तो ट्रैवलिंग में उनका बहुत टाइम लगता है कई स्टूडेंट ये सोचते हैं कि चलिए मैं स्कूल ऑफलाइन कर लेता हूँ और बाकी टाइम मैं ऑनलाइन कर लेता हूं लेकिन आप खुद ही सोचिए आप इतना टाइम स्कूल से थक हार के आएंगे उसके बाद जब ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ेंगे तो उसमें इतना सारा स्क्रीन टाइम होगा तो यहाँ पे आपको सेल्फ स्टडी करने का टाइम बहुत ही नेग्लिजिबल मिलता है उसके अलावा स्कूल में टीचर्स की क्वालिटी का भी इशू होता है तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपकी बोर्ड्स की तैयारी बहुत अमेजिंग ही हो जाएगी बहुत सारे स्कूल्स में क्वालिटी टीचर्स अवेलेबल ना होने के कारण बोर्ड्स की तैयारी भी ठीक से नहीं कराई जाती यानी मैं अगर अभी तक बात करूँ तो स्कूचिंग

इज़ एक डमी स्कूल ज्वाइन किया जाए जहाँ पे हमें सिंपली प्रैक्टिकल्स देने हैं बोर्ड एग्जाम देने हैं लेकिन हमें रेगुलर प्रिपरेशन बोर्ड्स की वहाँ नहीं करनी रेगुलर जाना नहीं पड़ेगा तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स करते हैं वो सिंपली कोचिंग पे फोकस करते हैं राइट अब ये जो पर्टिकुलर कन्सेप्ट है ये कोटा में प्रविलेंट है और भी बहुत जगह ये प्रविलेंट है जहाँ पे जो कोचिंग होती है वही पूरा बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराती है एलोंग विद आई टी जी एज वेल एज नीट ये जो पर्टिकुलर कन्सेप्ट है ये सबसे पॉपुलर है और यहीं से स्टूडेंट्स की बेस्ट रैंक आती है आप लॉजिकली समझ सकते हैं जब स्टूडेंट सारा दिन आई या नीट की तैयारी कर रहा होता है तो ऐसे केस में उसका फोकस बहुत इंटेंस होता है और जब उसका फोकस ज्यादा होता है तो ऐसे केस में कॉम्पिटेटिव एडवांटेज भी उसको बाकी सबसे मिलता है उसके अलावा जब वो कोचिंग में पढ़ता है तो वहां पे उसको पीयर कंपटीशन में मिलता है जैसे कोटा में सबसे बड़ा एडवांटेज है पीयर कंपटीशन आपके आसपास इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं तो उनको देख के हम काफी कुछ सीखते हैं तो कोटा में एट ए टी पी स्टार कोटा यही कंसेप्ट हम लोग अप्लाई करते हैं जिसकी हेल्प से स्टूडेंट्स को एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है यहाँ पे नॉर्मल जो एक नेगेटिव रहता है वो सब जगह नहीं होता लेकिन कई जगह ये नेगेटिव रहता है कि बोर्ड्स की प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं कराई जाती तो स्टूडेंट्स को कई बार बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने में दिक्कत लगती है लेकिन एट ए टी पी स्टार कोटा हम लोग स्टूडेंट्स की बोर्ड्स की तैयारी का भी ख्याल रखते हैं ताकि उसकी प्रिपरेशन बोर्ड्स की भी मैनेज रहे और उसका कोचिंग जो है आईटीजी एज वेल एज नीट भी अच्छे से रहे क्योंकि देखिए पेरेंट्स का और स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा कंसर्न ये होता है कि भाई पहले बोर्ड्स का लेवल तो कर ले है ना ITJ की उसके बात कर लेना या नीट की उसके बात कर लेना लेकिन यहां पे इन दिस एट स्टार कोटा हम लोग बोर्ड्स uh, की तैयारी के साथ साथ आईटीजी नीट को परफेक्टली बैलेंस करते हैं ताकि बोर्ड्स की प्रिपरेशन बिल्कुल भी सफर ना हो तो इन तीनों में अगर मेरा रिकमेंडेशन बात करें तो यू शुड गो फॉर दिस क्योंकि इसमें इट इज़ वन स्टॉप सोल्यूशन यहाँ पे सारी फैसिलिटी आपको मिल रही है एंड ये आपके लिए बहुत एडवांटेज हो सकता है बिकॉज इट इज़ हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंट राइट कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है एंड गाइज इफ एनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड इन कमिंग टू कोटा एंड ज्वाइनिंग ए टी पी स्टार तो आप सिंपली ये जो नंबर दिया है यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर भी इंक्वायरी कर सकते हैं ओके गईज बाकी होपिंग दैट ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा लाइक uh, like जरूर कर दीजिएगा और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल राइट नाउ टेक केयर एंड लव यू ऑल